के उस तरफ जो बड़े बड़े बिल्डिंगें दिख रहा है ना, ये है शारजा, और अभी मैं हूँ खड़ा दुबई में। तो ये शारजा है और ये दुबई है, तो बस इतना ही फ़र्क है। तो शारजा को भी कमज़ोर मत समझना, शारजा वो रहा, बड़े बड़े बिल्डिंग है वो शारजा है। और मुझे मिल गया इसका ऑर्डर। डिलीवरी फील्ड वाला बंदे पता नहीं अलनेफुल एरिया में क्यों नहीं घूमता है, अब जाके मुझे पता चला, क्योंकि अलनेफुल एरिया में राइडरों के लिए दिन के टाइम पे है ही नहीं, वो है रातों के लिए। अलनेफ हो गया और गोल्ड अल सुख सुपर मार्केट जो कि सोने का एरिया हो गया, वहाँ पर यार इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक लगा, ऐसा लगा कि मैं पुरानी दिल्ली में घूम रहा हूँ। अल हमरिया फोर्ट, यानी मैं बुर्जमान में हूँ। ये बुर्जमान और बर्दुबई में माना जाता है। इस होटल का नाम है होटल हॉलीडे डट इन बर्दुबई। तो यहाँ पे मैंने रात सुबह सुबह पता नहीं कैसे पहुँच गया मैं, और लड़की थी कस्टमर लड़की ने 10 दिरहम टिप्स भी दिया हमें। और रहता तो मैं यहीं पर हूँ, लेकिन काम करने वाला सिस्टम तो ये मेरे लिए नया है। यहाँ पे चुनौती हो सकता है पेनल्टी का, फाइन का, और यहाँ से पिकअप का सिस्टम मुझे पता नहीं और ड्रॉप ऑफ का सिस्टम मुझे पता नहीं, क्योंकि पार्किंग मैंने कभी यहाँ पे देखा ही नहीं। जहाँ पे भी जितना भी मैं देखा हूँ ना, करीब पार्किंग देखा नहीं, तो सारे के सारे पेड़ पार्किंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेड़ वाला पीछे पेड़ वाला, तो यहाँ पे पेड़ पार्किंग होता है। और ये मेरा हो गया 4 ऑर्डर कम्प्लीट, लग रहा है आज होगा काम। और आज है शनिवार और मैं बुर्जमान बिजनेस में बॉर दुबई करामा आज एयरपोर्ट यही सब एरिया घुमाएगा और देखते हैं कितना होगा आज का। वैसे भी मैं 3 दिन से लगातार कंटिन्यू 10-12-11 ही कर रहा हूँ, तो अभी देखते हैं कितना होगा। चाट बाज़ार भाई करामा, अल करामा चाट बाज़ार। और ये भाई बोल रहा है कि आरटीओ आएगा, फाइन लगाएगा और 2 दिन का कमाई लेके चला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकता है आरटीओ वाला, क्योंकि हम लोग को पार्किंग में रखे हुए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 दिरहम लगेगा। 200 लगता है ना, डर रहा है यहाँ पे। नून भाई भी खड़ा है, नून भाई का भी 200 के चालान लगेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये है ना कि मसला हम लोग का पार्किंग का सिस्टम, यहाँ का सिस्टम पता नहीं। मैं काम कर रहा हूँ मरीना में, और यहाँ पे नए एरिया पे जो काम कर रहा हूँ ना, कहाँ पे रखना क्या रखना सिस्टम, बस ध्यान रखो तब इंटरव्यू देखते रहे दाढ़ी दौड़ और यही बस इधर उधर देख रहे ऐसे ऐसे करके, ताकि कहीं पर आके ना आ जाए, क्योंकि आके यहाँ पे घूमते रहते हैं। वैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मेरा दूर ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर होगा। वो खुला रोड से मस्त चलते हैं, वाला एरिया में काम नहीं करता हूँ, काम करता हूँ महीना। और बता भाई, नून भाई का पास पेट भी निकल रहा है, कमाई के हिसाब में पेट भी निकल रहा है। अब जान में लॉग इन किया और डायरेक्ट मुझे डाल दिया पिकअप दुबई हिल्स बर्गर किंग का। उसके बाद दुबई हिल बर्गर किंग दुबई साउथ में दिया, उसके बाद फिर मुझे मिल गया ये डीएच किचन, जो कि ऐसा स्ट्रीट में जो डीएच किचन है अपना, और वहाँ से मैंने पिकअप किया और सीधा भेज दिया बिजनेस पे। और बिजनेस पे से जैसे ड्रॉप अप किया, मुझे फिर से वहीं पे ऑर्डर मिल गया और सीधा भेज दिया मुझे बुर्जमान बर्दुबई। बर्दुबई से सीधा ड्रॉप अप किया, उसके बाद हो गया करामा, और करामा से अब जाके आया मेन पॉइंट। और करामा से मुझे सीधा 1 साल पहले आए थे वाला बिल्डिंग में, अभी मैं हूँ शारजा के बॉर्डर पे, जो कि ये उल्टांग वाला एरिया है। शारजा के बॉर्डर पे हूँ, आप स्क्रीन शॉट में देखिए ज़रा, इस फील्ड में आप काम कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि शारजा के बॉर्डर में हूँ। यहाँ पे आने के लिए मुझे 10 दिरहम 50 पैसा समथिंग मिला, और मुझे टोटल ड्राइव करना पड़ा 30 किलोमीटर। चाट बाज़ार ने इतना भगाया हमको यार, चाट बाज़ार ने 30 किलोमीटर ही भगा दिया। मुझे पता नहीं यहाँ पे ऑर्डर लगता है कि नहीं, क्योंकि पहले जब 1 साल पहले आया था तो ऑर्डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो अभी 1 साल के अंतराल में कुछ डिफरेंट हो गया होगा शायद, किचन उचन कहीं पे बन गया होगा, लेकिन ऑर्डर नहीं बनता यार यहाँ पर। उटपटांग वाला एरिया है, कहाँ पर ये बिल्डिंग है देखो ज़रा बिल्डिंग का नज़ारा, ऐसे ऐसे ऐसा A3 A2 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 ऐसे ऐसे बना के रखा हुआ है। मैंने दिया था A2 वाला बिल्डिंग में। आ गए भाई, ऑर्डर आ गया 18 दिराम 99 फिल, यानी 19 दिराम का ऑर्डर, 10 दिराम मुझे टिप्स मिला हुआ है, और मुझे पिकअप डाला गया है मुनिशिया 4। पता नहीं मुनिशिया 4 गया तो हूँ यार मुनिशिया 4, लेकिन यहाँ से मुझे पिकअप डाला है, पता नहीं कितना किलोमीटर, देख के मैं स्क्रीन शॉट में भेज दूँगा आपको, देख लेना भाई। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे लेकर जाना है रसीदिया मेट्रो स्टेशन के पास, और ये ऑर्डर खास उतना दूर का नहीं है, और धीरे धीरे करते करते मेरे अपने जोन पे ही वापस करवाएगा। और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जो पीछे यहाँ पे बकरे का मार्केट है, जो कि मटन वटन जो खाते हैं ना, तो यहाँ पर मार्केट के लिए आते हैं, यहाँ पर सस्ते में मिल जाते हैं भेड़ बकरियाँ, 150-200-300 दिराम में जिंदा बिल्कुल खड़ा। चलो फिर चलते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और मेरा दोस्त बम बहादुर मुझे ना शटर मार रहा है कि जाओ जाओ जाओ, मस्त घूम लो,
क्योंकि पहले कुछ महीने पहले बम्बादुर इधर ही आया था काम करने, और मैंने भी बोला था कि हैप्पी जॉर्नी, तो आज मेरे को हैप्पी जॉर्नी बोल रहा है। मैदान साउथ, अभी मैं हूँ मैदान साउथ में, यहाँ से पहली बार यार पिकअप कर रहा हूँ। ये क्या नाम है, ब्याक यार्ड लिखा गया है, और मैदान साउथ का कुछ ऐसा ये कंटेनर की तरह बनाया गया है। और ये खास करके यहाँ पे साइकिल का डिमांड बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे साइकिल रेसिंग और हॉर्स रेसिंग वाला एरिया है मैदान साउथ। किसी को आपको पता नहीं है तो फिर यहाँ पे विजिट कर लेना, अगर ये यहाँ पे ऑर्डर मिल गया तो फिर समझ लो भाई पन होती है। और ये मैं जा रहा हूँ डिजाइन फेज टू पे, जो कि बिजनेस बे के अपोजिट साइड में है, और मेरा ऐसी के तैसी होने वाला है। और आज काम भी बिल्कुल स्लो चल रहा है, और वेदर के हिसाब अगर मैं बोलूँ तो आज का फीलिंग टेम्परेचर बता रहा है कि 56 डिग्री टेम्परेचर फीलिंग में, और नॉर्मली टेम्परेचर है 46 डिग्री। ज़रा होल्ड करो यार, और यहाँ पे ज़्यादातर तलबात से ज़्यादा ऑर्डर आता है डिलीवरों का, क्योंकि यहाँ पे लोग ना डिलीवरों का ही कस्टमर ज़्यादा है, क्योंकि फॉरेनर लोग, यूरोपियन लोग, जो भी जितना यूरोपियन है कैनेडियन है, वो लोग डिलीवरो यूज करते हैं, और तलबात ज़्यादातर यूरोपियन लोग यूज नहीं करता है, तो इसके वजह से यहाँ पे डिलीवरों का तादाद ज़्यादा मिल जाती है। वो वाला साइड में पूरा डिलीवरो बैठा हुआ है, और ये मेरा पहला ऑर्डर है यहाँ से, क्योंकि मेरा लोकेशन हाईवे रोड पे ही ख़त्म हो गया था। फिर मुझे पता चला कि मैदान के सोलह एरिया पे रेस्टोरेंट है कंटेनर की तरह, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंटेनर बना के बैठे हुए हैं। तो चलिए प्रोसेसिंग करते, फ़ोन गर्म हो गया है और अपना दिमाग भी सर भी गर्म हो गया है, क्योंकि मुझे डिज़ाइन फेज़ 1 डिज़ाइन फेज़ 2 है, और वहाँ पे जैसे ड्रॉप अप करूँगा तो बिजनेस बैग ऑर्डर मिल जाता है। तो फिर से आज घूमना पड़ेगा, और आज का ड्यूटी मेरा 10 घंटे का, और 10 घंटे के डेट में कितना मैं कर पाऊँगा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बाहर मैं बिल्डिंग 8 पे खड़ा था, मुझे पता था कि तो भी किचन का आएगा, और देख रहे हो कि तो वहाँ पे बिजनेस बैग का जो बुर्ज खलीफा और भी दिख रहा है, और मुझे ये वाला बिल्डिंग में जाना है फलसफा टावर में कि तो भी किचन पे मुड़ खराब गांडू जगह है यार, पार्किंग है ही नहीं, यहाँ पे छोड़ना पड़ा हमें यहाँ पे। वर्द भैया, अभी मैं अलनेफ में हूँ, बिल्कुल पुराने दिल्ली की तरह है यार, ये अलनेफ है। यहाँ पर आना यानी अपना टाइम बर्बाद करना, मेरा कॉल थैंक यू बस, आई डोंट हैव वाटर। ये अफ्रीकन मार्केट है अलनेफ का, जो कि मुझे दुकान रेस्टोरेंट ढूंढने में काफ़ी मुझे यहाँ पर मेहनत करना पड़ा। और ये अलनेफ में पता नहीं तलबात के लोग यार काम कैसे कर लेता है यार, यहाँ पे एक तो पार्किंग का सुविधाएं नहीं है, और करंट लोकेशन में पहुँचने में करीब एक ऑर्डर के लिए मुझे डेढ़ घंटा मुझे रनिंग करना पड़ा। उसके बाद यार इस गर्मी में डेढ़ घंटा तक बर्बादी होना, यानी समझ लो अपना पूरा दिन ही ख़राब हो गया। आज सर सुबह से लेकर अभी तक कितना हो गया, बस 6 ऑर्डर हुआ है, और मेरा ड्यूटी अब 2 घंटा और रह गया, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बंदे कोई अलनेप पे आ गया ना तो समझ लो बर्बादी है उसका, इसलिए यहाँ पे कोई भी राइडर नहीं है। और यहाँ पे मेन बड़ी बात यह रहा ना कि राइट साइड में जाओ बस की लाइन, और बस की लाइन पर चलो यहाँ पे 600 दिरहम का फाइन अलग से, और इम्पाउंड बोला जाता है बाइक का इम्पाउंड अलग से, मुश्किल है यार यहाँ पे काम करना। अल्लादा टू पे हूँ मैं, केनिया का मछली केनिया रेस्टोरेंट से, जो कि अलनेफ से लेके आया था, अलनादा हूँ मैं। अभी तक खाना खाया नहीं है, अब 2 घंटा और रह गया अपना ड्यूटी, करीब करीब 2 घंटा रह गया, 2 घंटे में क्या कर लूँगा। और यार आज का टेम्परेचर यार फीलिंग हो रहा है 52 डिग्री टेम्परेचर, और इतना दूर देख कर भी ओ माय गॉड क्या करें भाई यार। मैं ये ना मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि देरा अलनेफ वाला रोड में, जो कि गोल्ड सुख सुपर मार्केट वाला एरिया और अलनेफ वाला एरिया, ये दो एरिया पे अगर बंदा कोई राइडर फंस गया है ना तो वहाँ से निकल नहीं सकता, क्योंकि राइट साइड में बस का लैन होता है, और बस का लैन पे ना ऊपर हर बिजली के पोल के ऊपर कैमरा लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा के, कौन बंदा किस रोड को पकड़ रहे, किस लेन से जा रहे हैं। अगर बस वाला लैन पे गलती से बाइक चला भी गया ना तो वहाँ पे 600 दिरहम से स्टार्टिंग फाइन है, और गाड़ी को इम्पाउंड भी कर सकते हैं। तो ना तो मैं राइट जा सकता था, ना तो मैं लेफ्ट जा सकता था, तो इसके वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा। और कस्टमर बोला कि इतना टाइम क्यों लग गया, बोला कि इतना बेकार जगह से मैं उठाया था, कि बात ही मत कर बोल के समझाऊंगा कपड़े के लड़की को, इधर उधर अपना सेटलमेंट करवा लिया। और यार भूख लग रहा है, और क्या करूँ, अलनादा में हूँ, मुझे पता है यहाँ से ड्रॉप अप करूँगा, घुमाएगा ज़रूर, लेकिन 2 घंटे में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ड्रॉप अप तो करना ही पड़ेगा। तो अलनादा ये तो रोड के उस तरफ जो बड़े बड़े बिल्डिंगें दिख रहा है ना, ये है शारजा, और अभी मैं हूँ खड़ा दुबई में, तो ये शारजा है और ये दुबई है, तो बस इतना ही फ़र्क है। बहुत भूख लग रहा है यार, लेकिन आज का दिन मेरा बेकार हो गया, 6-7 बस 7 ऑर्डर ये कम्प्लीट हो गया,
और उसके बाद 2 घंटे में यार आज तो यार दिहाड़ी भी नहीं निकलेगा यार, तो यही रहा अपना डिलीवरी फेल का। तो डिलीवरी फेल वाला बंदे पता नहीं अल्ले फुला एरिया में क्यों नहीं घूमता, अब जाके मुझे पता चला, क्योंकि अल्ले फुला एरिया में राइडरों के लिए दिन के टाइम पे है ही नहीं, वो है रातों के लिए। अल्लेप हो गया और गोल्ड अल सुख सुपर मार्केट जो कि सोने का एरिया हो गया, वहाँ पे यार इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक लगा, ऐसा लगा कि मैं पुरानी दिल्ली में घूम रहा हूँ। तो सिचुएशन के हालात समझना कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है राइडर होटल में, और कस्टमर आपको फ़ोन करके पागल कर देगा और तलबात फ़ोन करके पागल कर देगा और मोबाइल हीट हो जाता है यार गर्मी में ज़्यादा हीट। चलिए फिर चलते हैं यहाँ से, कहाँ जाऊँ फिर। तो शारजा को भी कमज़ोर मत समझना, शारजा वो रहा बड़े बड़े बिल्डिंग है वो शारजा है, और मुझे मिल गया इसका ऑर्डर। अभी मैं रसलखोर में हूँ, ड्यूटी ख़त्म होने में 2 मिनट बाकी रह गया और मैंने अपना कैमरा चालू कर दिया, अरजान में लॉगिन किया था, उसके बाद मुझे बिजनेस पे पहुँचाया, उसके बाद मैदान पहुँचाया, उसके बाद देरा पहुँचाया, उसके बाद अलनेप पहुँचाया, उसके बाद अलनादा, अलनादा के बाद मीरदीप, मीरदीप के बाद यार मीरदीप के बगल में कौन सा है यार मुसेना, उसके बाद रसलखोर। तो यहाँ पे आके मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया है यार, बहुत आज का दिन बेकार गया। वजह ये है कि अलनेप वाला ट्रैफिक जाम, अलनेप और गोल्ड सुख ये 2 जगह पे अगर कोई राइडर फंस गया ना भाई निकल नहीं पाओगे, इतना ख़तरनाक है। वहाँ पे ओवरटेक करोगे अगर इधर उधर करके आप साइड लो के जाओगे तो फिर यार वही तो है ना, कैमरा लगे हुए होते हैं तो मुश्किल है यार। बड़ी मुश्किल से आज मैंने किया हूँ 15 ऑर्डर कंप्लीट, बड़ी मुश्किल से, लेकिन हो गया। आज हो गया 12 तारीख और मैंने 190 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया हूँ। अब बाकी का वीडियो मैं घर पे जाकर मैं कंप्लीट करूँगा, थोड़ा सैलरी का सिस्टम क्या है वो भी देख लूँ। यार मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया तो मेरे रूम के बगल में ही है ना यहाँ पे अलंसारी एक्सचेंज, तो सोचा कि चलो सीओडी भी डाउन कर देते हैं, कम से कम सीओडी का थोड़ा बहुत पेनल्टी से बच जाऊँ, क्योंकि बदमाश है ना अपने कंट्रैक्टर, बार बार मैसेज आ रहे हैं बोल रहे हैं कि और ये साथ में शम्भू भाई भी मिल गया, ये इंडिया वेस्ट बंगाल से है ना, असम से, तो फिर नेपाली लैंग्वेज थे। और एक दोस्त फरमेंट भाई बोल रहा था कि यार वापस चले जाओ इंडिया, वापस चले जाओ। यार हम नेपाली ज़मीन कितना पड़ा हुआ है इंडिया में ना, तो ये ज़मीन वमीन के बात मत किया करो फरमेंट भाई, ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत हिस्सा इंडिया में चला गया है नेपाल के तरफ, तो ऐसा मत किया करो, मत बात ही मत करो, छोड़ो ये बातें को। और सुना फिर ये बंदा ऑलरेडी तलाबाद में कर चुका था और मेरा सब्सक्राइबर 2-3 साल पहले आया था तलाबाद, उसके बाद फिक्स सैलरी, अभी फिर जाकर तलाबाद कर रहे, अभी मुलाकात हो गया अलकरामा में, ड्यूटी भी ख़त्म हो गया, बोल रहा कि भाई का ड्यूटी ऑर्डर है ही कम्प्लीट, ओनली वन घंटे का 1 एवरेज हो रहा है, तो आज कम से कम मेरा 15 हो गया पूरा दुबई घूम के, और बस 14 करके बैठा हुआ है। और इनका कंट्रैक्टर नाम है अल्फा और फ्री भेजा मैं आऊँगा उसमें क्योंकि मेरा कंट्रैक्टर पैसा काटते हैं यार, सुनने में आया है कि इस महीने इस अभी जो तीसरा वीजा मेरा रिन्यूअल होने वाला है तो 5,000 सुनने में आया, तो 5,000 कौन देगा यार, जो कि ऑलरेडी फ्री भेजा है 300 एवरेज 300 ऑर्डर करना है, 300 तो बस इजीली हो ही जाएगा, मैं 100 के भी 300 कर लूँगा, 300 ऑर्डर एवरेज सीओडी 600। अच्छा सीओडी 600, अपना कंट्रैक्टर यही है कि 1,000 का 400 तक ले लेता है पेनल्टी, तो अपना कमजोरियाँ होता है सीओडी यूज करना, 1,000 का 150, 600 का 100, अल्फा में 1,000 का 150 बोल रहे हैं पेनल्टी, यानी अपने कंट्रैक्टर से काफ़ी अच्छा है। नेट लॉगिन का 25 दिया मतलब, अभी भी इस लाइव में अभी तक लेट लॉगिन हुआ ही नहीं, अभी तक मैं सस्पेंड हुआ ही नहीं, लेट लॉगिन 900 अभी तक लेट लॉगिन नहीं, 900 नहीं, एकदम इजीली आराम से 470 450 ऑर्डर ये मेरा कंटिन्यू का है, फिर भी अपने ऊपर पेनल्टी आता रहता है। 450 तो कहीं पर, चलो फिर सीओडी डाउन कर लेते हैं उसके बाद फिर बात करेंगे। कहाँ अच्छा सर छिड़ भाई भाई ना यहाँ पर नहीं हेर ना, यार फैमिली के साथ आ गए यार, मेरा जूता बार बार फट जाता है ना, जूता 15 दिराम 20 दिराम का जूता है, ज़्यादा दिन जाता नहीं, 10 दिन 12 दिन जाता है, तो फिर अभी सस्ता वाला जूता नहीं हो 16 दिराम का, तो 16 दिराम के जूते लेके जा रहा हूँ अभी, मुझे कल जल्दी भी उठना है यार, चल जल्दी कर जल्दी।